साहब इंग्लिश नहीं किया, आपने टाइम लिया था लास्ट टाइम। तो हम पढ़ के आए हैं किताबें और निर्णय ये लिया है कि ब्रह्म जी आप नहीं बहस कर सकते ना, बहस देखो इनको करना पड़ेगा। पिताओं सर मैं पिताओं इसमें जुड़ा हुआ आप कैसे जुड़ने की बात नहीं है, आप यू आर नॉट परमिटेड टू आर्ग्यू द मैटर, यू आर नॉट ए काउंसिल। यू कैन नॉट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ योर डॉटर। जी लेट द डॉटर आर्ग्यू एंड इफ शी इज नॉट एबल देन यू हैव टू एंगेज एन एडवोकेट। इसी के लिए टाइम लिया था लास्ट यस टेस्ट में। आप बहस नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते आपने बताया तो फिर तो कर लेंगे फिर नहीं। चेंबर हियरिंग हुई थी अनसक्सेसफुल। और उसमें ऐसा बोला गया था उनको कि आप कोई भी एडवोकेट कर लीजिए वो 3 पर्सन आए थे हमारे हाँ उनको ऐसा बोला था कोई भी एडवोकेट कर लो आप मीडिएशन हैज फेल्ड। इनमें इनका सब बोलना है कि हमको डाइवोर्स चाहिए पर इसमें ये जो है पिटीशन जो लगी है ये वाइडेबल और वाइडेबल मैरिज के लिए लगी है कि सुनने को तो आपने वकील साहब इंग्लिश नहीं किया, आपने टाइम लिया था लास्ट टाइम। तो हम पढ़ के आए हैं किताबें और निर्णय ये लिया है कि ब्रह्म जी आप नहीं बहस कर सकते ना, बहस देखो इनको करना पड़ेगा। पिताओं सर मैं पिताओं इसमें जुड़ा हुआ आप कैसे जुड़ने की बात नहीं है, आप यू आर नॉट परमिटेड टू आर्ग्यू द मैटर, यू आर नॉट ए काउंसिल। यू कैन नॉट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ योर डॉटर। जी लेट द डॉटर आर्ग्यू एंड इफ शी इज नॉट एबल देन यू हैव टू एंगेज एन एडवोकेट। इसी के लिए टाइम लिया था लास्ट यस टेस्ट मैम में। आप बहस नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते आपने बताया तो फिर तो कर लेंगे फिर नहीं। हमको समय दे दिया सर तो हम डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो वकील साहब अपील डॉक्यूमेंट पेश की अपील ही है, नीचे जो डॉक्यूमेंट पेश हो रहा है वो है वो। नहीं आप आधार बताया सर आप डॉक्यूमेंट पेश करने के आधार अरे पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके नीचे कोर्ट में कंसिडर हुए ही नहीं है, यहाँ पहली बार लाएंगे आप उनको। वो वैसे रिकॉर्ड में सर 34 के विरुद्ध थाने में जो रिपोर्ट है अगर रिकॉर्ड में है तो रिकॉर्ड हमारे पास है, उसको पेश करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं रिकॉर्ड सर 1380 के कोर्ट में भी है संबंधित के विरुद्ध जो हमने रिपोर्ट नहीं, हुई है हम तो थाने भी हुई है यही कि तो प्रॉब्लम होता है, आप समझ नहीं पाते। यू आर नॉट एन एडवोकेट, यू डोंट नो व्हाट आर द रिपरकशंस। आपको पता नहीं है जी कि लोअर अगर जनरल सर लोअर कोर्ट में रिकॉर्ड में अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स हम देख नहीं सकते, ये वहाँ कंसिडर हुए नहीं, गवाही में उसको दिए नहीं गए, डेटा बेयरिंग पे एग्जीबिट नहीं हुए, जो डॉक्यूमेंट हम पेश करना चाह रहे हो प्रति परीक्षण में उसका जिक्र आया है कि हमने आपके थाने में रिपोर्ट करी थी जो सर एडी जो जुरिस्डिक्शन में तो हम लोग नहीं देख रहे हैं इसको, केस को। आपके सर ये नियम नियम पढ़ के बताता हूँ सर ना आपको पास बोलने का अधिकार ही नहीं है आपका चलने का, पीछे जी जाते वकील सर के नाते सर हैं उस पर हम 3 महीने बाद लगा रहे हैं केस को। आराम से वकील करिए, आराम से पढ़िए उसको, जो करना करिए। एवरी वीक केस लगवा करके आप फिर उसको 3 महीने इनको अभी लगाएगा पास का बैठ पे वो तैयारी नहीं अभी बहस करने के लिए। दे दो सब 3 महीने जी इसमें लिखिए लर्नेड काउंसिल फॉर सॉरी द अपीलेंट इज प्रेजेंट इन पर्सन, शी स्टेट्स दैट शी वांट्स फर्दर टाइम टू एंगेज द लॉयर प्रेजेंट फॉर एन आर्ग्यू द मैटर है ना एज प्रूफ लिस्ट एक है महीने का दे देना था। फिर आगे टाइम मांगेंगे आप फिर जी से मैं लिस्ट आएंगे। इन द वीक टाइम टाइम से लोगों फर्स्ट सर अच्छे से ऑफ सितंबर वीडियो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब।